दोस्तों, अगर आपको इस साल के फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आईफोन 15 लेना है तो आप मात्र 2000 रुपया ईएमआई देके भी इस साल खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे किस तरह से कम पे करके ईएमआई के ऊपर आईफोन 15 खरीद सकते हैं या तो दूसरे सारे भी आईफोन खरीद सकते हैं। ईएमआई का क्या प्रोसेस रहता है, कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है, कितना आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, साथ ही साथ कौन सा कार्ड पे इस बार आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलेगा, अगर नो कॉस्ट ईएमआई होगा तो कितना चार्ज होगा, अगर यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा उस केस में मैक्सिमम आपको कितना इंटरेस्ट लग सकता है, साथ ही साथ आप किस तरह से कम इंटरेस्ट पे करके ईएमआई करा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, अगर आपको ईएमआई पे कुछ भी सामान खरीदना है तो इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, आईफोन 15 का प्राइस फ्लिपकार्ट बीबीडी में क्या आ सकता है, तो जब यहाँ पे सेल स्टार्ट हो जाएगा 50,000 प्राइस रहेगा और जो दो क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे ऑफर आएगा, जैसे कि इस बार आईसीआईसीआई आएगा, साथ ही साथ एक्सिस बैंक का कार्ड आएगा, इन दोनों कार्ड के ऊपर आपको डायरेक्टली 3000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो मोर और लेस आपको 47,000 पे करना पड़ेगा इस बार। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ईएमआई कैसा बनेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सेल में आप लोगों को दो तरह का ईएमआई देखने को मिलेगा। पहला नो कॉस्ट ईएमआई, ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होगा उसमें आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जितना आपका फोन का प्राइस होगा उतना ही आपको पे करना है। लेकिन उसके लिए जो सिलेक्टेड कार्ड होगा वो आपके पास रहना चाहिए, जिसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो सारे कार्ड में जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई नहीं रहेगा उन लोगों को यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा और किस तरह से आप बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हो अगर आपको ईएमआई में यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको एडजस्ट करना आ गया। यहाँ पे अभी फिलहाल जो आईफोन 13 का प्राइस है वो 49,999 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही जो प्राइसिंग अभी आप लोगों को दिख रहा है वही प्राइस सेम आपको बीबीडी सेल में देखने को मिलेगा। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आईफोन 13 को चूज कर लेते हैं, यहां से जाके हम लोग बाय नाउ ऑप्शन को क्लिक करते हैं, स्किप एंड कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, बाकी यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड के ऊपर 2,605 रुपए का डिस्काउंट है। तो जो भी यहाँ पे ऑफर रहेगा टोटल प्राइस के ऊपर वो पहले डिडक्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी प्राइस 52,000 दिखा रहा है तो ये जो 2,000 रुपया है वो कैशबैक के रूप से मुझे बाद में मिल जाएगा और इंस्टेंट जो डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। और कुछ कार्ड में यहाँ पे कैशबैक देखने को मिलता है जो कि आपको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में देखने को मिलता है, जो कि लगभग 45 डेज के बाद आपको सेम कार्ड के ऊपर कैशबैक को क्रेडिट करा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे इन ईएमआई के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चूज प्लेन का यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करना, बहुत सारे कार्ड में 199 रुपीज का यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगता है। तो प्रोसेसिंग फी ऑलमोस्ट आपको सारे जगह पे 200 और 300 के बीच ही देखने को मिलता है, उससे ज्यादा प्रोसेसिंग फी आपको ई कॉमर्स में देखने को नहीं मिलता है। आपको अगर 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हम लोग बात कर रहे हैं वैसे सारे कार्ड में जिस कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है। वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे जिस कार्ड में हमें नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलेगा उसमें कैलकुलेशन किस तरह से हम लोग करेंगे। और कुल मिला के अगर हम लोग ये वाला ईएमआई को चूज करते हैं तो 3 महीने में हमें 17,832 रुपया करके देना पड़ेगा, 6 मंथ में हमें 9,093 रुपीज करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग मंथ को इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है, जैसे कि अभी तो 2,459 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप 9 मंथ में जाओगे तो यहाँ पे 3,553 रुपीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ईएमआई घट जाएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे बजट है तो आप ट्राई करना कि जितना कम समय में हो सके पे कर देना। नो कॉस्ट ईएमआई की बात अलग है, नो कॉस्ट ईएमआई के केस में होता है क्या, आपको 1 भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना है, उस केस में आप टर्म्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन जहां पे यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आएगी वहां पे आपको कोशिश करना है कम से कम टाइम में देना। तो हम लोग यहाँ पे 12 मंथ का देखते हैं, 12 मंथ में यहाँ पे देख सकते हो 4,625 रुपया इंटरेस्ट लग जाएगा और यहाँ पे मंथली ईएमआई आपका बनेगा 4,727 रुपीज। सिमिलरली आप 18 मंथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे थोड़ा बजट की कमी है उस केस में आपको 3,275 रुपीज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो आपको लग जाएगा वो लग जाएगा 6,847 रुपीज। सिमिलरली आप 12 मंथ भी कर सकते हो,
2551 रुपीज देके आप आराम से यहां पे 24 मंथ का भी ईएमआई करा सकते हो। लेकिन ये जो चार्जेज है वो चार्जेज है कि अगर बैंक आपको 16% इंटरेस्ट चार्ज करता है उस केस में, सेल के टाइम पे बहुत सारे बैंक में आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलेगा। और आप लोग कोशिश करना वही कार्ड यूज करें जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई है। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है, वो पर्टिकुलर कार्ड जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड, एक्सिस बैंक का कार्ड जिसमें ऑफर आएगा नो कॉस्ट का, तो आप किसी अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, किसी दोस्त को बोल सकते हो, रिलेटिव को बोल सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट देना यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका फोन जो है वो महंगा पड़ जाएगा। उस केस में अगर आप किसी दोस्त को मना लेते हो और थोड़ा बहुत उसको अगर खर्चा पानी दे देते हो कि चलो भाई 1000 रुपए का पार्टी दे देंगे, तुम मुझे 12 महीने का यहाँ पे ईएमआई करा दो, तो अभी आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 12 महीने की अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो 4625 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर आप किसी को यहाँ पे, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को 1000 रुपए का थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे दोगे तब भी आपका लॉस नहीं है। तो आप कोशिश करना वही कार्ड पे ऑर्डर करें जिस कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है। और जनरली जो ये नो कॉस्ट ईएमआई वाले कार्ड होता है वो अप टू 12 मंथ के लिए होता है। जैसे ही आप 24 मंथ में जाओगे उस केस में हो सकता है वहां पे चार्जेबल भी हो, तो आप सारा कुछ देखने के बाद उस चीज को बाय करना। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है जिस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर आया है उस केस में आपको ईएमआई कितना देना पड़ेगा अगर आप ईएमआई पे ही ऑर्डर करते हो। तो जैसे ही सेल स्टार्ट हो जाता है अगर आप बहुत जल्दी ऑर्डर कर पाते हो उस केस में आपके लिए प्राइस 50,000 ही होगा। लेकिन अगर आप लेट कर देते हो, सेल स्टार्ट हो गया 2-3 मिनट के बाद, क्योंकि उस समय सर्वर भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, बहुत लोग ऑर्डर भी नहीं कर पाता है, तो अगर आप जल्दी ऑर्डर कर पाते हो जिस समय 50,000 प्राइस है तो उस केस में आपको 3,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आईफोन 15 का जो प्राइस होगा आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट वो बनेगा आपका 47,000। तो यहां पे हम लोग 47,000 मान लेते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट आपको यहां पे 0% देना है क्योंकि ये नो कॉस्ट ईएमआई की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे पीरियड अगर हम लोग 12 मंथ मान के भी चलेंगे तो यहां पे अगर कैलकुलेट कर देंगे तो आप लोग ईएमआई देख सकते हो 3,916 रुपीज आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो नो कॉस्ट ईएमआई में यही बेनिफिट है, चाहे आप 12 मंथ का करा रहे हो, 18 मंथ का करा रहे हो, आपको यहां पे कम से कम पैसा पे करना है, साथ ही साथ कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है। और एक चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है उसमें आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, लेकिन फ्लिपकार्ट की तरफ से वो अमाउंट ही डिस्काउंट हो जाता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। बाकी नो कॉस्ट ईएमआई का अगर सुविधा आपको देखने को मिलता है और अगर आप मैक्सिमम 24 मंथ लगा देते हो, ध्यान रखना ये जो फोन का ईएमआई होता है उसमें मैक्स टू मैक्स आपको 24 मंथ ही देखने को मिलता है, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको 24 मंथ का नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल गया आईफोन 15 के साथ तो किस तरह का प्राइजिंग हो सकता है, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो ईएमआई का प्राइजिंग जो आ रहा है, मंथली आपको 1958 रुपीज देना है, तो 2000 से भी कम में आप आईफोन 15 ले सकते हो। बाकी ईएमआई करते समय आप डेफिनेटली ये ध्यान रखना कि जो भी आपका ईएमआई बनेगा वो पैसा देने के लायक आप हो। अगर आपका उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, खुद के ऊपर बार्डन लेके अगर आप उस तरह का कोई चीज परचेज कर रहे हो तो वो चीज गलत है, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी नहीं है तब भी आप ईएमआई करा सकते हो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया है, डिस्क्रिप्शन में भी वो वाला वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, उससे आप लोगों को और बेहतर आइडिया लगेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।